हेलो, चलिए डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। और ये है ट्रिग्नोमेट्री का टू प्रूफ सम। तो इससे पहले वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, उसमें भी हमने ऑलरेडी एक टू प्रूफ सम सॉल्व किया है। और आपने देखा ही होगा चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, बहुत सारे टू प्रूफ सम्स इस चैप्टर के सॉल्व किए हैं, राइट। आपको प्रोसेस भी समझा होगा, मैंने हमेशा कहा है आपको पहले जब भी ये सम्स होगा तो पहले ये डिसाइड करना है हमें साइड कौन सा सेलेक्ट करना है, कि लेफ्ट हैंड साइड लेना है या राइट हैंड साइड। ओके, उसके लिए आप बोलोगे वो कैसे करना है। मैंने फर्स्ट बोला था कि प्राइमरी रेशियो और सेकेंडरी रेशियोज का पता होगा आपको। प्राइमरी रेशियोज मतलब साइन एंड कॉस, ये हमारी भाषा में हमारे डिस्कशन के लिए। और सेकेंडरी रेशियोज जो मतलब जो बचे हुए हैं, दैट इज टैन कॉट सेक एंड कोसेक। मैंने हमेशा कहा है पहले तो ये देखिए कि दोनों साइड में से जिस साइड में आपको सेकेंडरी रेशियोज दिखते हैं वो साइड सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखोगे सेकेंडरी रेशियो मतलब टैन कॉट सेक एंड कोसेक इसमें से, तो आप बोलोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, हाँ टैन है, कॉट है, सेकेंडरी रेशियो इधर है, राइट हैंड साइड में तो प्राइमरी है ना, साइन है, मतलब आप बोलोगे हम लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड, तो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कीजिए, मतलब हमें समझ गया कौन से साइड से सम की शुरुआत करनी है। और हमें पता है जब भी हम टू प्रूफ सम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, हमें तीन आइडेंटिटी और पांच रिलेशन की जरूरत होती है। देखिए यही है ना, अगर ये हमें आता है तो हम इजीली कोई भी टू प्रूफ सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी इसे सॉल्व करना। तो आप बोलोगे हाँ, हमने ये सेलेक्ट किया सो दैट हम इस सेकेंडरी रेशियोज को, टैन और कॉट को हम प्राइमरी रेशियो में लिख दे, मतलब साइन और कॉस में। देख सकते, सही भी है, बट थोड़ा ध्यान से देखिए ना, फर्स्ट ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, वन प्लस, ओके, वन प्लस क्या दिया हुआ है, वन प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर दिया हुआ है, वन अपॉन टैन स्क्वायर। तो आप बोलोगे हाँ, वन अपॉन टैन का मतलब होता है कॉट, तो वन अपॉन टैन स्क्वायर है क्या होगा, कॉट स्क्वायर है, तो चलिए वो लिख लेते हैं, मतलब हमने रिलेशन यूज किया। ओके, तो आप बोलोगे अगर ये समझ में आया तो आप बोलोगे सेकेंड ब्रैकेट जो है वो भी ऐसी होगा, सो वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वेयर ए, वन अपॉन कॉट ए होता है टैन ए, तो वन अपॉन कॉट स्क्वेयर ए आप लिखोगे टैन स्क्वेयर ए, सुपर। तो ये तो बहुत इजी था, ये तो आपने रिलेशन में यूज किया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को, वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, तो आप बोलोगे वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए तो आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, दैट मींस हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी यूज किया है, मतलब वो आइडेंटिटी एज अ रीजन लिखना जरूरी है, तो हम रीजन में लिख रहे हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। ओके, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, अब बोलोगे ये भी तो आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी है, वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, sec स्क्वायर ए, तो सुपर, तो उसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, वेरी गुड, तो लिख लेते हैं और ये भी हम रीजनिंग में लिखेंगे, सुपर, क्या बात है, हमने ये लिख दिया, सुपर। अभी आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, अब आप बोलोगे अब तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्राइमरी रेशियो में लिखना ही होगा। ओके, तो cosec स्क्वायर ए जो है, cosec ए इसे हम क्या लिखते हैं प्राइमरी में, इट इज वन अपॉन साइन ए, बट यहाँ पे कोसेक स्क्वेयर ए है तो हम लिखेंगे वन अपॉन साइन स्क्वेयर ए, लिख लीजिए, वेरी गुड, इनटू सेक स्क्वेयर ए है, सेक को हम क्या लिखते हैं वन अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे सेक स्क्वेयर ए है तो क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, वेरी गुड। चलो अभी ये फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू वन क्या आएगा वन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया है। ओके, अब एक चीज याद रखिए, हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लाने के लिए, तो सॉल्व करते करते हमेशा राइट हैंड साइड को देखते रहिए। अब आपने बोला इतना हमने कर दिया, इसके बाद क्या करें, तो जब आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हमेशा दूसरा साइड देखिए तो आपको समझ में आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमें साइन स्क्वायर ए की जरूरत है, तो ये साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, बट क्या हमें कॉस स्क्वायर ए की जरूरत है राइट हैंड साइड में, नहीं है, मतलब आप बोलोगे इसे हटाना है, हटाना है मतलब एक इरेजर लेंगे और इसे इरेज कर देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हम इसे हटा सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब बोलोगे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कहां से मिलेगा,
कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी में है ना, राइट ना, कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी में है। ओके कॉस स्क्वायर कौन से है, फर्स्ट आइडेंटिटी में हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, उसमें से अभी मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं ऐसे ही होगा, इसके जगह पे हम लिख रहे हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ आए क्यों, बट हमने आइडेंटिटी का उपयोग किया है, हमें आइडेंटिटी जैसे यूज करते हैं हमें एज अ रीजन लिखना पड़ता है, तो रीजन क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया, बट इसमें से हमने क्या यूज किया, हमने बोला कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, तो लिख के बताइए, तो आप बोले हाँ, अब क्या करें, अब बोलो यहां तो और कुछ नहीं कर सकते, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या आएगा वन वुड रिमेन एज वन इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू वन, साइन स्क्वायर इंटू वन क्या है साइन स्क्वायर, ओके माइनस ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए क्या है साइन रेस टू फोर ए, आया क्या वो तो देखिए वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू फोर है, वही तो है राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है, प्रूव कर दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने सम सॉल्व कर दिया है, पर मैंने कहा क्या यहाँ पे एड करोगे, नहीं फिर से उस स्टेटमेंट को उस सम को फिर से लिखिए, क्या है वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू फोर, ये हमने प्रूव कर दिया है, समझ आ गया कितना इजी है, तो बहुत इजी है, तो बोलोगे तो बहुत सिंपल था, देखा पहले तो ऐसा नहीं लगा, बट देखिए सॉल्व करते करते, बट सोच समझ के लिखना है, समझ समझ के करना है, मैंने कहा करके नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अप्रोच समझिए, आप समझ ही गए होंगे, आप बोलो हम तो समझ गए, हमारे फ्रेंड्स भी अगर समझना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो उनके साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपको तो पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टू प्रूफ सम के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।